हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मेटामर्स की। मेटामर्स होते क्या हैं? तो जनरली मेटामर्स आइसोमर्स होते हैं, और ये इस तरह के आइसोमर होते हैं जिनके अंदर होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवेलेंट आयन, बट दे हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, अटैच टू पॉलीवेलेंट आयन। आइए जरा जो लिखा है उसको एग्जांपल के साथ समझे। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है डाइइथाइल ईथर C2H5O C2H5, और एक और कंपाउंड है मेरे पास जो है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब अगर मैं इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी क्या है, C4H10O। आप देख सकते हैं इसमें दो दो चार कार्बन है, पांच और पांच दस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। इसमें भी क्या है, C4H10O, इसमें भी तीन और एक चार कार्बन है, सात और तीन दस हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है, सेम। अब इसमें देखते हैं, इसमें इन दोनों कंपाउंड में सेम पॉलीवेलेंट आयन है। अब पॉलीवेलेंट आयन का क्या मतलब, तो इस कंपाउंड में पॉलीवेलेंट आयन मतलब इसमें डाइवेलेंट ऑक्सीजन है, डाइवेलेंट मतलब ऑक्सीजन विथ टू वैलेंसी। तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप डाइवेलेंट ऑक्सीजन एज ए पॉलीवेलेंट आयन है, और इसमें भी डाइवेलेंट ऑक्सीजन एज ए पॉलीवेलेंट आयन है। तो इन दोनों में क्या हुआ, सेम पॉलीवेलेंट आयन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है। आप देखें, एक में जो पॉलीवेलेंट आयन को जो अटैच्ड अल्काइल ग्रुप है वो है इथाइल, यहाँ पर भी इथाइल, मगर इसमें क्या है, एक जगह मिथाइल और एक जगह एन प्रोपाइल। तो इन दोनों में डिफरेंस किस बात का हुआ, सिर्फ अल्काइल ग्रुप का जो कि पॉलीवेलेंट आयन को अटैच्ड है। तो यहाँ पर डाइवेलेंट आयन को अटैच जो अल्काइल ग्रुप है वो है डाई इथाइल, और इस वाले कंपाउंड में जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वो क्या है, एक है मिथाइल एंड एन प्रोपाइल। ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं ये, बट दोनों में क्या है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, इसलिए ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के मेटामर्स। क्या हुए, मेटामर्स। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सेम पॉलीवेलेंट आयन हो और उनके अंदर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो फिर ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मेटामर्स। अब यहाँ पर पॉलीवेलेंट आयन की जो बात हुई, तो पॉलीवेलेंट आयन बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी ऑक्सीजन लिया, इसी तरीके से सल्फर भी हो सकता है, इसी तरीके से एक अमीन ग्रुप भी हो सकता है, इसी तरीके से एक ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन भी हो सकता है, इसी तरीके से कार्बोनाइल ग्रुप भी हो सकता है ना। तो ये सारे क्या हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलीवेलेंट आयन हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट। थैंक यू।